Of wing ceremony. May I now request Chairman ISRO and Secretary Department of Space, Sri S. Somnath, to hand over the wings to Honorable Prime Minister. माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स को विंग्स प्रदान करें। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। Thank you, sir, for doing the honors. I request the astronauts to kindly occupy their seats off the dais. I deem it an honor and pleasure to humbly request Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji to address the audience. Kerala ke Rajpal Sri Arif Muhammad Khan, Mukhyamantri Sriman Pinarayi Vijayan ji, राज्य मंत्री मेरे साथ श्री वी मुरलीधरन जी, इसरो परिवार के सभी सदस्यगण, नमस्कार। साहसिक साथियों के सम्मान में हम सब स्टैंडिंग ओवेशन दे करके तालियों से उनको सम्मानित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। हर राष्ट्र की विकास यात्रा में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी परिभाषित करते हैं। आज भारत के लिए ये ऐसा ही क्षण है। हमारी आज की जनरेशन बहुत सौभाग्यशाली है जिसको जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में ऐतिहासिक कामों का यश मिल रहा है। कुछ समय पहले मैंने अयोध्या में कहा था कि ये नए काल चक्र की शुरुआत है। इस नए काल क्षेत्र में ग्लोबल ऑर्डर में भारत अपना स्पेस लगातार बड़ा बना रहा है और ये हमारे स्पेस प्रोग्राम में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। साथियों, पिछले वर्ष भारत वो पहला देश बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा फहराया।
आज शिव शक्ति पॉइंट पूरी दुनिया को भारत के सामर्थ्य से परिचित करा रहा है। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में हम सभी एक और ऐतिहासिक सफर के साक्षी बन रहे हैं। अब से कुछ देर पहले देश पहली बार अपने चार गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ चार नाम और चार इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली चार शक्तियां हैं। चालीस वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। मुझे खुशी है कि आज इन एस्ट्रोनॉट से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं इन साथियों को पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 21वीं सदी के भारत की सफलता में आज आपका नाम भी जुड़ गया है। आप आज के भारत का विश्वास है, आप आज के भारत का शौर्य है, साहस है, अनुशासन है। आप भारत का गौरव बढ़ाने के लिए, अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने के लिए पिछले कई वर्षों से दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। आप भारत की उस अमृत पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो चुनौतियों को चुनौती देने का जज्बा रखती है। आपके कड़े ट्रेनिंग मॉड्यूल में योग का एक बड़ा रोल है। इस मिशन में